भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20I मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस T20I सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। बहरहाल मंगलवार को 3 T20I मैचों की सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या होंगे। इससे पहले T20I वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में श्रीलंका का प्रदर्शन भी निराशाजनक ही रहा था। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला T20I मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वानखेड़े के विकेट की बात करें तो ये बल्लेबाजी के लिए शानदार विकेट है। इस पर गेंद पड़ने के बाद तेजी से बैट पर आती है, इस वजह से बल्लेबाजी करना आसान रहता है। हालांकि इसके अलावा वानखेड़े के विकेट पर गेंदबाजों के लिए भी मदद रहती है। खासकर वानखेड़े के विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों को स्विंग और अच्छी मूवमेंट भी मिलती है। पहले T20I मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11: ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक।